चलिए आप जरा कुछ और खुलासा करते हैं, यानी इनकी राज की बातें बताते हैं आप। आए दिन पता नहीं क्यों इनके झूठ जो है लगातार खुलते चले जाते हैं और इनकी पोलें खुलती चली जाती हैं। इस बार जो पोल खुली आप समझ ही होंगे, इस बार पोल खुली फनी की, और ये पोल भी कोई नहीं खोली, किसी ने नहीं खोली, ये भी डब्बा ने खोली। और कैसे खोली और क्या पोल थी ये हम आपको बताते हैं। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाते हैं, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। एक रिक्वेस्ट है, ये वाली वीडियो पूरी सुनिएगा। यहाँ पर जो है कई पोलें खुली हैं, डब्बा की भी और फनी की भी, एक एक करके हम आपको बताएंगे। पर पहले डब्बा की कही हुई बहुत अच्छी अच्छी बातें, चलिए भाई सुनते हैं। डब्बा बहन ने बहुत ही अच्छी बातें बताई हैं भाई बहन के बारे में। सारे भाई बहनों में इसी तरीके से प्यार रहे और एक दूसरे का साथ रहे, कोई दूर रहे कोई पास रहे, और दूर पास से कुछ नहीं होता, रिश्ते की वैल्यू होती है। देखिए कितनी अच्छी बात कही है कि पास रहे या दूर रहे लेकिन रिश्ते की वैल्यू होती है, और इसीलिए जो है इसने भतीजे को राखी नहीं बांधी। भाई और भतीजा दोनों एक ही श्रेणी में आते हैं, एक ही कैटेगरी में आते हैं, इसलिए जिन घरों में रक्षाबंधन होता है तो भाई को भी राखी बांधी जाती है और इसी तरीके से सारे भतीजों को भी राखी बांधी जाती है, भाभी को भी राखी बांधी जाती है। यहाँ पर एकमात्र भतीजा सिर्फ और सिर्फ जो अभी कुछ ही दिन पहले दुनिया में आया है उसके लिए तो राखी नहीं बांधी, वो तो आपके पास का था, तो पास दूर का सवाल तो यहाँ पे खत्म हो गया। चलिए दूर का भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कहती है भाई बहनों में बातचीत नहीं होती, बहुत दूर रहते हैं, फिर भी अपनी बहनों का आपको बहुत 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 साथ देना है। गुड, वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात है भाई। जरा ये बताइए आपकी जो तीन तीन बुआएं हैं उनके बारे में आपने कभी सोचा है? वो भी तो इस घर की लड़कियां हैं, वो भी तो ये इस घर की बहनें हैं। जैसे तुम बहने हो ऐसे ही वो पापा की बहने हैं, और जो भतीजा है यानी जनाब की, उनकी भी बहने ही लगती है एक तरह से बुआ। आपको हर बात में अपनी खालाएं तो बहुत याद रहती हैं, कोई त्योहार आ जाए कुछ भी आ जाए अपनी खालाएं तो बहुत याद रहती हैं, लेकिन इन बुआओं को कौन याद करेगा? कम से कम इस बहाने ही उनको याद कर लिया होता। रिश्तेदारी और वो बात तो अलग है, लेकिन ये जो रिश्ता है भाई बहन का ये अपने आप में बहुत अलग होता है, और वो हमेशा अपना भाई मानती हैं, वो हमेशा अपना भतीजा मानती हैं, और यहाँ तक कि जो भतीजे का जो बेटा हुआ है उसके तक को वो नवाजती हैं और उसके लिए भी बहुत सारी चीजें भेजती हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि डब्बा मौदा जाए और उनकी बुआएं कुछ भी चीज ना भेजें, ऐसा कभी भी नहीं होता। दूसरी तरफ ये भी कभी नहीं होता कि ये मौदा जाएं और अपनी बुआओं के लिए कुछ लेके जाएं, या फिर ये कहिए कि इसके जो भाई है या इसके पापा हैं उनकी तरफ से इनकी मम्मी को देना चाहिए, अम्मी की तरफ से या किसी की भी तरफ से कभी भी उनके लिए कुछ नहीं जाता। इसे बेशर्मी कहें, बेहयाई कहें, मतलब परस्ती कहें, क्या कहें, लेकिन ये सारी बातें भाई बहन के रिश्ते के सामने बिल्कुल छोटी हैं। घर की जो लड़कियां होती है ना वो कभी कुछ नहीं मांगती, मतलब वो अपने भाई से अपने बाप से किसी से कभी कुछ नहीं मांगती जब उनकी शादी हो जाती है, वो सिर्फ और सिर्फ उनसे मांगती है सिर्फ प्यार और इज्जत मांगती है कि उनके घर में उनकी वही इज्जत हो जो उनकी पहले थी। पर लगता है इस घर की लड़कियां तो बदनसीब हैं जिसकी वजह से उनकी कोई पूछ नहीं होती, कोई इज्जत नहीं होती, कभी उनको याद नहीं किया जाता, यहाँ तक कि बच्चा हो गया तब भी एक बार भी उनको याद नहीं किया गया। हकीका किया गया तो वो भी उस तरीके से नहीं किया गया जैसे कि सब करते हैं। और उसके बाद में पहला पहला जन्मदिन आया तो ये बात होती कि शायद पहला जन्मदिन ये अच्छे से मनाएंगे और सब लोगों को बुलाएंगे, लेकिन नहीं, वहां पर भी घर के लोग भी याद नहीं किए गए, इससे ज्यादा और क्या हो सकती है। और अम्मी कितने चाव के साथ कह रही थी कि जब गाँव में रक्षाबंधन हुआ करता था, जब मौदा में रक्षाबंधन हुआ करता था, दूसरे दिन कुछ और पर्टिकुलर त्योहार मनाया जाता था, वो हमें याद नहीं वो क्या बोलना चाह रही थी, जिसमें जलेबी खाई जाती थी और बाकी दूसरी चीज खाई जाती थी, उसका नाम भी बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ। इससे पता चलता है कि अम्मी भी अपने टाइम में डेफिनेटली अपने भाइयों को राखी और ये सब चीजें बांधती थी, तो क्या उनको अपने भाइयों की कभी याद नहीं आई? इसी बहाने कम से कम जिक्र कर दिया करती कि हम जब छोटे थे जब हम ऐसे राखी बांधा करते थे, हम ये चीज लाया करते थे, हम उनको ये चीज दिया करते थे और ये चीज खाया करते थे। राखी तो ये शुरू से मनाते आ रहे हैं, हमने 3 साल के इनके व्लॉग देखे और उनमें हर एक में इन्होंने जो है रक्षाबंधन मनाया है, और इसी तरीके से इन्होंने थाली वगैरह सजा कर स्वीट्स ला कर और इस तरह से रक्षाबंधन मनाया है। देखिए हमने ये कुछ स्क्रीनशॉट डाल रखे हैं 3 साल के कि किस तरह से इन लोगों ने रक्षाबंधन मनाया था और किस तरह से राखी की थाली सजाई थी जिसके ऊपर उसने उसको झड़क दिया था पिज्जा को डब्बा ने कि नहीं 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 थाली हमने ही लेंगे, हमें थाली नहीं चाहिए। हाँ हिंदू बहनें जो है अपनी जो थाली होती है उसमें दीपक भी जला के रखती हैं और उनका तिलक भी करती हैं। डब्बा ने उसके बीच में एक कैंडल जला दी थी। आज त्योहार तो करते हैं लेकिन थोड़ा दुबका चोरी ऐसे करते हैं कि किसी को बुरा भी ना लग जाए। पनीर रेस्टोरेंट से घर पे आता है, पहले उसके साथ में नॉर्मल बातें की जाती हैं कि भाई आज का दिन कैसा रहा, वो कहता है बड़ा मुश्किल रहा है, बड़ा थका हुआ रहा और कस्टमर्स वगैरह बहुत आए, ये सब नॉर्मल बातें करता है।
इसी बीच में डब्बा को पता चल जाता है कि वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आप भी यहाँ पे ये क्लिपिंग देखिएगा, बार 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 वो उससे आंख नहीं मिला रहा और उससे आंख चुरा रहा है। और उसके बाद में उसने डब्बा ने कहा, आज आपकी चोरी पकड़ी गई, आप जो चुपके चुपके करते हो आज हमने वो चोरी पकड़ी है। और चोरी क्या है? चोरी ये है कि आज आप कोल्ड ड्रिंक पी के आए हो। देखिए कोल्ड ड्रिंक पीना कितना बड़ा गुनाह है, आप समझ गए होंगे कि कोल्ड ड्रिंक पीना कितना बड़ा गुनाह है, ऐसा डब्बा कह रही है। पर ऐसी बात नहीं है, ये इतनी सीधी बात नहीं है जो ये कह रही है। जैसे ये वो ऐसा कहती है, पनी नीचे मुंह करके मुस्कुराता है, यानी कि वो भी समझ गया है ये क्या कहना चाह रही है। देखिए ये स्क्रीनशॉट लगा रखा है हमने यहाँ पर, वो किस तरीके से मुस्कुरा रहा है नीचे सर झुकाकर। उसने एक बात भी इस बात का विरोध नहीं किया है। अब आगे सुनिए, आगे डब्बा ये कहती है कि सुबह तुम्हें पता चलेगा, मैं अम्मा से ये बात कहूंगी। अब आप ही बताइए, इशारों इशारों में जो बातें हो रही हैं, क्या कोल्ड ड्रिंक पीना इतना बड़ा जुर्म है कि जिसके लिए ये कहा जाए कि वो चोरी पकड़ी गई? नंबर एक। नंबर दो, आपकी शिकायत जो अम्मा से की जाएगी, यानी कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए अम्मा से शिकायत की जाएगी, और तब तुम्हारा क्या हल होगा वो भी देखना। तो अब आप समझ गए होंगे फनी भाई जो है क्या काम कर कर आए हैं बाहर, जिसको उसको पता लग गया, यानी कि बड़ी आसानी से पता लग जाता है। भाई अगर आप आके बैठे हो, बात कर रहे हो, बेशक नजरें नहीं मिला रहे हो, लेकिन आपकी स्मेल बता देती है कि आप क्या खा कर आए हो, क्या पी कर आए हो। तो लीजिए भाई, जो आज तक नहीं हुआ था, जो आज तक नहीं देखा था आपने, वो अब ये भी देख लो। और इसके बाद में तो फनी ने बिल्कुल ही आंख नहीं मिलाई है, और हर बार जो है नीचे झुक के जो भी कुछ किया है वो नीचे झुक के ही किया है, यानी नीचे झुकने का मतलब ये है कि सर नीचे रखा है। इवन दिन जब वो खाना खा रहा है और जिस तरह से खुल के बातें करता है, ना ना ना, ना बातें नहीं करी कुछ भी, बिल्कुल सर नीचे रखा है। इवन दिन उसे बताना पड़ा है कि ये खीर है जो कि मीठी है। अगेन मैं ये फोकस करूंगा यहाँ पे बात को कि किन किन चीज़ों के पीने के बाद में आपको मीठा नहीं खिलाया जाता, आपको कुछ और खिलाया जाता है। अब आप देख लीजिए ये कितना मतलब इस्लाम को भी बदनाम करते हैं, और वैसे रोजे नमाज को दिखाते हैं, और हर बार दिखाते हैं, मैं जा रहा हूँ अब नमाज पढ़ने के लिए, अब टाइम हो चुका है जुम्मे का, मैं आ गया हूँ नमाज पढ़कर। बस ये दो सेंटेंस उसके जबान पे रहते हैं जब भी जुम्मा आता है। और देख लीजिए कारनामे कैसे कैसे चल रहे हैं इनके। अब जो इनके जो व्यूवर्स हैं इस पे वो क्या जवाब देंगे वो बताएं हमें, और जो पड़ोसी व्यूवर्स हैं वो भी जरूर बताएं कि ये जो कांड है, ये कांड करना अच्छा है, या उनके यहाँ भी कोई कोई लोग ऐसे होते हैं कि जो इस तरह के कांड करते हैं। देखिए मैं तो ये कहूंगा, अगर आप गलत समझते हैं तो प्लीज गलत कहिए, अगर आप सही समझते हैं तो सही कहिए। ऐसा नहीं कि भी आप चुपचाप रहिए इस बात के ऊपर, आपको बोलना तो जरूर चाहिए। अब देख लीजिए जो इतने ज्यादा अच्छे बनते हैं और हर बार आपको इतना अच्छा बन के दिखाते हैं, दूसरों को इतनी ज्यादा सीख देते हैं, और जो गुटके के ऊपर भी इतना सारा बात करते थे कि गुटखा जो नहीं खाना चाहिए, गुटखा खाएंगे तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, अपने खालू को इसने बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर दिया था, और साथ में अपनी खाला को हिदायत दी थी कि अब अगर खाएं तो ऐसा करना और वैसा करना। आज इनके खुद के घर में ना केवल गुटके चल रहे हैं बल्कि जो नहीं चलना चाहिए वो भी चल रहा है। अब समझ में आया कि 12 बजे जो रेस्टोरेंट बंद हो जाता है उसके रेस्टोरेंट से वो 2:30 बजे क्यों करके आता है। इसके बाद में जैसा कि इसने कई बार व्लॉग में कहा भी है कि अपने दोस्तों में चले गए, वहां पे चले गए और डेल्टा में चले गए होंगे, इसने बिल्कुल भी नहीं बताया ये रेस्टोरेंट खोलने के टाइम पर फनी ने अपने वहां से कुछ दोस्तों को भी बुलाया था जो कि बेसिकली डेल्टा में ठहरे हुए थे, लेकिन एक बार भी किसी को ना मिलवाया ना उनसे बात करी। और ये जो है रात को 12 बजे के बाद में सीधा वहीं पे जाता है, अपने दोस्तों के पास जाता है, वहां पे घंटा डेढ़ घंटा टाइम बिताता है, उसके बाद में ये घर पर चलकर आता है। अब दोस्तों के साथ में क्या किया इसने, कौन कौन सी कोल्ड ड्रिंक पी, ये डब्बा से छुपी हुई बात नहीं है। आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आप अपनी वाइफ से कुछ भी नहीं छुपा सकते। और इसी तरीके से डब्बा को आसानी से पता लग गया कि ये कौन सी कोल्ड ड्रिंक पी के आए हैं, इसलिए उसने उसके मुंह पर ये कहा। और मुंह पर कहने के बाद में देखो प्रतिक्रिया ये होनी चाहिए थी, उसकी तरफ से कोई विरोध आना चाहिए था, लेकिन उसने कोई विरोध नहीं किया बल्कि उसने आराम से सर झुकाया, और सर झुकाने के बाद में धीरे से मुस्कुरा दिया। तो देखिए ना केवल इसने ये वाली बात छुपाई कि ये जो भाई साहब हैं ये वाला काम करते हैं, जैसे कि जब तक जो है जनाब की सिगरेट का बॉक्स नहीं मिल गया था, यानी व्लॉग में सामने नहीं आ गया था, तब तक जनाब भी जो है ऐसी ही बातें करते थे, और मैडम तो खास बोलती थी इस बात के लिए, स्मोकिंग वगैरह के लिए। और दोनों का ये कहना था कि जो फिल्मी पार्टियां होती हैं उन पार्टियों में ये इसीलिए नहीं जाते हैं क्योंकि वहां ये सब किया जाता है। और उसके बाद में जनाब की वीडियो आई, और जनाब की कौन सी वीडियो आई, जब झलक दिखला जा खत्म हो गया तो उसके बाद में जो पार्टी हुई थी उस पार्टी की वीडियो आई, जिसमें जनाब के हाथ पे भी वो ग्लास नजर आया, और जो कपड़े से सॉरी जो टिश्यू पेपर से ढका हुआ था, सबको साफ समझ में आ रहा था कि वो ग्लास क्या है और ग्लास में क्या है। तो ये है इनकी वास्तविकता में सच्चाई, ये इन सब लोगों की सच्चाई है।
अगर मैडम की बात करें तो बिग बॉस में ये भी स्मोकिंग करती थी, वहाँ स्मोकिंग जोन के लिए जो बना हुआ था उसमें अक्सर ये जाती थी स्मोकिंग करने के लिए। तो भाई आपको व्लॉग में थोड़ा ना दिखाएंगे ये कि क्या क्या कारनामे करते हैं, आपको तो गुड़ी गुड़ी बन के दिखाना है, एक ऐसा फेस दिखाना है जो कि सब कुछ करता है, हर चीज़ें इस्लाम के हिसाब से करता है और नमाजें पढ़ता है, रोजे रखता है, सब लोगों की इज्जत करता है, सब लोगों का प्यार करता है और परिवार के हर आदमी को बहुत ज़्यादा इज्जत देता है और उसका पूरा पूरा ध्यान रखता है। ऐसे लगता है जैसे हम कोई ड्रामा देख रहे हो जिसमें वास्तविकता कुछ और हो और पात्र अपना अपना रोल निभा रहे हो और उसके बाद में जाते हैं और जाके फिर अपनी लाइफ में मस्त हो जाते हैं। इसी तरह का ढकोसला जो है डब्बा ने भी किया था अभी 15 अगस्त के ऊपर, जब उसने कोलकाता के लिए एक रील बनाई जो कांड हुआ था उसके लिए, और उसके बाद में तुरंत उसको बंद करते ही कहने लगी, चलो हंस के कहती है कि अब हम जो ऐसे जाने वाले नहीं है, हम तो चाय वाय कुछ पी के जाएंगे और ये अच्छा नहीं लगता, और हम जो चुपके से नहीं जाएंगे, चोरी चोरी नहीं जाएंगे। भाई आप एक ही टाइम में दो मूड कैसे रख सकते हो, ये तो सिर्फ सिर्फ वही लोग रख सकते हैं कि जो कि बेसिकली एक्टिंग कर रहे हो और एक्टिंग करने के टाइम पे वो कुछ भी बन के दिखाएं। भाई जैसे मान लो कोई फिल्मों में साधु का रोल कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, तो जैसे ही कट होगा शॉट वो अपनी सीट पे बैठेगा और सिगरेट सुलगा लेगा और इसमें कुछ गलत भी नहीं होगा क्योंकि वो तो बेसिकली रोल निभा रहे हैं ना उसका। ऐसे हैं हमारे ये सारे के सारे व्लॉगर, मैंने आपको एक एक की हकीकत जो है यहाँ पर बयान करी है और ये वो हकीकत बयान करी है जो कि ऑलरेडी व्लॉग्स पर हैं इनके या फिर सोशल मीडिया पे है। चलिए कुछ और खुलासा भी करते हैं क्योंकि ये व्लॉग जो है हमने बनाई इनके खुलासा करने के लिए है। किसको अपने लोगों में से गायब करना है, ये डब्बा को बहुत अच्छी तरह आता है, यानी उसको ऐसा जादू आता है कि ये चाहे तो अपने साथ जिनको अपने साथ लेके चल रही है, जिनके साथ खाना खा रही है, जिनके साथ गाड़ी में गई और जिनको जिनके साथ में स्टेशन पहुंची और जिनके साथ में उसने अपने दोनों सास ससुर को भेजा यहां से, उसको उसने व्लॉग से और हर जगह से पूरी तरह से गायब कर दिया। मैं बात कर रहा हूँ फनी के दोस्त के बारे में, जो आपने इरफान का नाम सुना होगा और जो इरफान वही है जो सबसे पहले यहां पर आया था जबकि होटल के नाम की शुरुआत हुई थी कि भी हम होटल खोलेंगे तो उसके लिए जो भी कुछ काम करना है उसके लिए वो उसको लेकर आया था साथ में और कुछ दिन वो इनके घर में भी रहा था। उसके बाद में इन्होंने डेल्टा ले लिया, यानी तब बात करते थे कि जो हमारे होटल के लोग आएंगे उनको ठहराने के लिए हमें जगह चाहिए लेकिन हमें जगह नहीं मिल रही है, तो उसी टाइम इन्होंने डेल्टा वाला फ्लैट लिया और डेल्टा वाला फ्लैट लिया इसलिए था कि वो सारे लोग जो वहां पर रहेंगे। तो वहां पर इरफान काफी दिन रहा और अब भी वो रह रहा था वहां पर शायद अपनी वाइफ के साथ में, क्योंकि वो फिर दोबारा से दिखाई दिया है स्टेशन पे, जब ये स्टेशन पे अपने सास ससुर को छोड़ने गई है तो वहाँ पर वो अपनी वाइफ के साथ खड़ा हुआ है, लेकिन ना तो इसने व्लॉग में एक बार भी जिक्र किया और ना ही दिखाया उसको। मतलब इतनी चिढ़ क्यों है उससे, क्या दिखाना चाहती है, कौन सी बात छुपाना चाहती है। ये होना तो ये चाहिए था कि फनी को यहाँ से छोड़ने जाना चाहिए था, अपने बीमार माँ बाप को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए था उन्हें कि भी ऐसी वहाँ यहाँ से रवाना कर दिया। और ये सवाल हमने पिछले व्लॉग में खड़ा भी किया था कि ये देखते हैं कि उनको छोड़ने जाएंगे या किसी को भेजेंगे उनको छोड़ने के लिए, लेकिन डब्बा ने बड़ी चालाकी के साथ में उसको यहाँ से अलग कर दिया। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा हो तो देखिए ये स्क्रीनशॉट हम यहाँ पर लगा रहे हैं जिसमें कि इरफान भी दिखाई दे रहा है और उसकी वाइफ भी दिखाई दे रही है और ये शॉट जो है ना ये प्लेटफॉर्म का शॉट है, स्टेशन का शॉट है। और देखिए कैमरा जो है खाली उसके हाथ में नहीं था, वो जो लड़का है कृष्णा उसके हाथ में था, लेकिन सख्त हिदायत थी कि भाई वो फ्रेम में नहीं आने चाहिए, उनको नहीं दिखाना, ना उनके लिए बात करी ना उनको फ्रेम में लिया, ये तो अचानक ही शायद जो उसके फ्रेम में आ गया है और इसका स्क्रीनशॉट हमने ले लिया है। डेफिनेटली जो इरफान है ये अपनी वाइफ को वहां छोड़ने के लिए जा रहा होगा और साथ साथ जो है इनको भी छोड़कर आएगा और उनके साथ में ही इसने अपने माँ बाप को भेजा है। अब इन्हीं सब बातों से लगा लीजिए कि डब्बा भी कितनी ज्यादा कनिंग है, जो चीज दिखानी होती है वो दिखाती है और जो चीज नहीं दिखानी होती उसको ऐसे गायब कर देती है कि किसी को पता भी ना चले। ऐसे ही इसने उसके साथ में किया था क्रेजी कजन के सिस्टर के साथ में, उसके साथ में पहले व्लॉग में वो चलती फिरती सब कुछ दिखाई दी लेकिन पहले वाले व्लॉग में ना तो उससे इंट्रोडक्शन कराया, ना उससे खाने पीने का पूछा, ना उससे किसी और बात करी। दूसरा व्लॉग आया तो दूसरे व्लॉग में उसको इंट्रोड्यूस कराया या फिर ये कहिए उससे बात करी, पहला व्लॉग में तो ऐसे साफ कर दिया उसको जैसे कि वो है ही नहीं, मतलब ऐसे जैसे कि वो बिल्कुल जादू की तरह गायब हो गई। तो जब भी तो हमने कहा इसको जादू आता है, ये चाहे तो जिसको मर्जी गायब कर सकती है, बस सिर्फ इसका मतलब निकालना चाहिए, फिर उसके बाद में कोई भी कितना भी हो उसको दिखाने में इसको कोई फायदा नहीं लगता। अब उस लड़के को ही देख लीजिए जिसके लिए व्लॉग में कई बार पूछते भी हैं, जो बावरा लड़का था वो कहां गया, वो दिखाई देता है, वो वहां पर दिखाई दिया था रेस्टोरेंट में लास्ट टाइम, उसके बाद में एक बार भी वो दिखाई नहीं दिया, वो भी असल में उसको लेके ही इसलिए आए कि वो लड़का ना बहरा है और ना ठीक से वो बोल सकता है, तो उसको वहां यहां पर लेकर आइए सफाई के लिए, बर्तन साफ करने के लिए, इन सब
गलत कामों के लिए यहाँ पर जो उसको लेकर आई है। जो लोग ये कहते हैं ना कि जो अपने मुलाजिम हैं उनके साथ में ये कितना अच्छा व्यवहार करते हैं और देखकर बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन अब आप देख लीजिए कि इसने क्या किया बावरा के साथ में, क्या किया इरफान के साथ में, क्या ये लोग इसके लिए काम नहीं कर रहे हैं। ये काम जो इसने किया था मेहर के साथ में, सारा का सारा उससे जो है कंटेंट निकलवाया और उसके बाद में उसकी जिंदगी बिल्कुल खराब कर दी। अब देखिए ये बात जो हमने पकड़ी है इस बात के ऊपर कि फनी कौन सी कोल्ड ड्रिंक पीकर आया, अगर ये बात जो बाहर ज्यादा पॉपुलर हो गई या ये कहिए कि काफी सारे लोगों ने पकड़ी ये बात या रिपीट करी, तो फिर आप देखना इसका जवाब देने के लिए भी आएगी। या फिर एक बहुत अच्छा तरीका होता है, कुछ भी बात मत करो और बस सब कुछ ऐसे चलने दो। ये भी एक पॉलिसी होती है कि कुछ भी ना कहना भी एक अपने आप में पॉलिसी है। जैसे इसकी भाभी जो है बहुत सारी बातों पर जवाब देने के लिए आ जाती है, लेकिन आज तक बच्चे की बात के ऊपर कभी भी जवाब देने नहीं आई, तो ना कहना भी अपने आप में कुछ पॉलिसी है। चलिए फ्रेंड्स, ये वाला पॉडकास्ट इसको यहीं पे एंड करते हैं। अभी एक और बात रह गई थी जो हम अगले पॉडकास्ट में करेंगे। इतना बता दें वो बात जो है डब्बा के लिए है और डब्बा ने क्या बात छुपाई है और किस तरीके से किया है ये हम अगले पॉडकास्ट में बताएंगे। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।